शांति बनाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। महान कवियों ने फिर मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी दी है, गौर से सुनिएगा। कि हर ना कुश के पापते, हर ना कुश के पापते कांप उठ्यो संसार, खंब फार प्रगटे प्रभु जय नखते डार्यो हार। आज उसी के अंश को, आज उसी के अंश को दुनिया करती याद, हरी कृपा ऐसी भई वो भक्त बन्यो प्रह। हरनाक उसका बेटा भक्त प्रहलाद हो गया, ये कर्म की बात हुआ करती है। लेके सुनेंगे जीवन में बहुत सारी चीजें आवश्यक हुआ करती हैं, लेकिन सबसे जरूरी सबसे आवश्यक वो कौन है साहब सुनिए। ना सुबह जरूरी है और ना शाम जरूरी है, कोई जरूरी नहीं ना सुबह ना शाम, जरूरी है तो वो क्या है। ना सुबह जरूरी है और ना शाम जरूरी है, जीवन में जीने को भव सागर तरने को वो श्री राम जरूरी है, सागर तरने को श्री राम जरूरी है, भव सागर तरने को श्री राम जरूरी है। हमें शंका है उन पे जो किए अजूबे हैं, भगवान राम ने जो कारनामे किए आज हम उन पर शंका करते हैं। कैसे हमें शंका है उन पे जो हुए अजूबे हैं, बिन बिन जादू के जल में, बिन जादू के जल में ना पत्थर डूबे हैं। हम जैसे इंसान कहते हैं पानी में पत्थर कैसे तैर गए, या तो पानी में जादू होगा या उन पत्थरों में कोई जादू होगा, वरना तैर नहीं सकते। अब आप पागलो, पत्थर तो आज भी तैर सकता होगा पंडित जी, पत्थर तो आज भी तैर सकता है, लेकिन कैसे तैरेगा बेटा। जो नाम लिखा उन पे, जो नाम लिखा उन पे वो नाम जरूरी है, जो नाम लिखा उन पे वो नाम जरूरी है, भव सागर तरने को श्री राम जरूरी है, भव सागर, भव सागर। को वहीं पर केंद्रित करिए, प्रसंग बदला बदला नहीं जाएगा। यानी के महाराज अंध ने न जाने कृष्ण ने प्रश्न छोड़ दिए मंत्री संजय के सामने, बता मेरे बेटे कैसे मारे गए। दुराचार कृपाचार पितामह भीष्म दानवीर कर्ण, क्या इनको छल से नहीं मारा, तूने देखा नहीं महाभारत में। बार बार मना किया मंत्री ने, मैंने कुछ नहीं देखा, जिद पड़ गए। आज वो मंत्री कह रहा महाराज हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, और जो देखा वो आप सुन नहीं पाएंगे, जो सत्य मैंने देखा
उसे सुनने में आपको बहुत पीड़ा होगी। नहीं मंत्री बता तूने क्या देखा। अच्छा सुनिए राजन, पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया। मुझे नहीं पता किसे किसने मारा। हाँ पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया, पर जीत धर्म की हुई यहां पे अधर्म बाजी। ये मैंने अवश्य देखा। सत्य की जीत असत्य पर हुई, धर्म की जीत अधर्म पर हुई। तो सोचो जरा सोच कि तुमने कैसा पाप कमाया। बाकरनी को फल आप स्वयं सोच लीजिए आपने क्या किया था। महाराज अंध कहते तो इतने बुरे कर्म करेगा, हमने इतने पाप करेगा। पाप ही नहीं किए महाराज, आप नंगा नाच नाचे थे। सुनिए क्या कहा मंत्री संजय ने। अरे नाचे नंगो नाच आपने, अरे नाचे नंगो और नाच आपने, और ये साचे कबहु नाए बोली, और साचे कबहु नाए बोली, और बेटन के और बिन बेटन के संग में मात की जरा गई तुमने हो। जलवा दिया लज्जा नहीं आई। और ये फिर से 50 रुपए का पुरस्कार गोपाल सिंह प्रधान जी, बार बार धन्यवाद। ऐसो ठायो कहरा जातिना चेहर भीम कूदियो, हरि कहे नानू को तुमने रहम नाए कियो, हरि कहे नानू को तुमने रहम नाए कियो। आप धर्म से विमुख हो गए, और धर्म धर्म के बारे में तो भगवान राम ने भी समझाया था। जब सुखेन बैत को लाया गया, लक्ष्मण जी को प्राण बचाने के लिए सुखेन ने कहा मैं आपके भाई का इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धर्म के विरुद्ध है। मैंने रावण का नमक खाया है, मैं आपके भाई का इलाज नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने धर्म के लिए एक उपदेश दिया था, बहुत ही सुंदर बात बोली थी सुखेन बैत के सामने। बेटा क्या कहा? धर्म के कारण राज गया। गया और पितृ देव का मरण हुआ। धर्म के कारण राज गया और पितृ देव का मरण हुआ। धर्म के कारण पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। यह हो 50 रुपए का पुरस्कार नेताजी के द्वारा। धर्म के कारण लक्ष्मण की वर मरता है, मर जाने दो भाई। अगर आज प्राणों की आहुति देता है ले दीजिए, मरता है मर जाने दीजिए। लेकर भैया धर्म के कारण लक्ष्मण भी अगर मरता है मर जाने दो। आप आज यही आप आज
आज यही होगी मेरी कोई धर्म न अपना जाने दो। इस तरह से कह दिया, राजन आप नंगा नाच नाचे थे, न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, बार बार आपको समझाया था मैंने, क्या न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, पर पुत्र मोह के कारण त्यारी नहीं समझ में। सो कुलघाती बने कुलकू खाएगा, कुलघाती बने कुलकू खाएगा, वो बेटा था तुम्हारो अब काहे को आंसू, रोने से अब कुछ नहीं होगा। राजन महाराज अंध कहते हैं, भैया मंत्री मैं तो अंधा था, मुझे नहीं पता मेरे बेटे क्या कर रहे, मैं देख नहीं पाया। अब मंत्री संजय को एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिल गया, कहा राजन आप अंधे ही नहीं थे, आप तो बहुत कुछ थे। सुनिए क्या कहा मंत्री संजय ने, कि सत्य कहूं समझ आए, सत्य कहूं समझ आए, बात मेरी मत मानो झूठी, ये सत्य कहूं समझ आए, बात मेरी मत मानो झूठी, अरे जिन आँख न के और संग आँख तेरी ही ये क्यों, पड़ता कितने हैगे साहब,
की पामे, सजा सब करमन की पामे। हरे सजा सब करमन की पामे। बोए के पेड़ बबूरा आमना खावे कुआ में, बोए के पेड़ बबूरा आमना खावे कुआ में, बोए के पेड़ बबूरा आमना खावे कुआ। महाराज आपने बबूल के वृक्ष उगाए, आम का फल खाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? और आप कन्हैया को दोष दे रहे ना कि श्याम ने छल किया, मेरे परिवार को नष्ट करवा दिया। आपके इस कुल को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, आप ही का हितैषी था। कौन था सुनिए क्या कहा ढोला। अरे नाश तेरे और कुनवा को कराए दियो जाने नाश तेरे कुनवा को कराए दियो जाने दास बना लिया तेरे साले शकुनी ने, जिसने तेरे कुल का नाश करवा दिया। अब सुनियो उड़ान क्या कहा। के जतन सब जिसे आप दो दोस्त दे रहे ना, वो आपके पास शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे मनमोहन, आपने ठुकराया था उसे। जतन सब और के सब ने किए गामतेने पाचौ नाए दी। जग में बहियन को हक खाए सुखी नाए कोई रह पायो। ये कड़ी का समापन, एक छोटा सा गाना। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है बहुत पुराने जमाने से, जा की बात को पतो नाए बाके बाप को पतो नाए। जिसकी बात में दम है वो कितना भी गरीब हो, वो सबसे बड़ा पैसे वाला है। और धन्ना सेठ बने और बात में दम ना है, ढेला सिर ना है, पूछे कोई दुनिया। सुनिए बात क्या होती है बेटा। क्या
मती बिगारो बात यापनी, मती बिगारो बात यापनी, तुम रखो बनाए की बात और जाकी बात, अरे जाकी बात बिगड़ जाए बाकी ना पूछे कोई बात, जाकी बात बिगड़ जाए बाकी ना पूछे कोई बात। मान के धर्मराज ने कपट के फांसे हारे हैं, भीषम द्रोण बात के पीछे, भीषम द्रोण बात के पीछे कई खाम मारे हैं, नेक बात पे बात पड़ी बातन बादर फारे, बातन बादर फारे बातन बादर फारे, द्रौपदी ने कही तो कही करे अंध के अंध विशुद्ध हो गया उस बात पर, महाभारत जैसा संग्राम हुआ केवल छोटी सी बात पर। अब दूसरी बात रामायण से बेटा, बात मंत्रा की मानी, बात मंत्रा की मानी तो नासक राजियों के कहने राजू राम को नाय मिले, अपने हाथन के अपनो सिंदूर मिटा दियो के कहने नाम के कही दुनिया में बदनाम करा दियो के कहने बदनाम करा दियो के कहने के कहने। जय हो। हर गांव में सीता सावित्री अनुसुईया कौशल्या सुमित्रा हर नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई पहला बाप हो खड़ा जिसने अपनी बेटी का नाम केकई रखा हो? कोई रखना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि केकई अपने नाम में स्वयं ही बदनाम करा करके चली गई। तीसरी बात बेटा, बात के पीछे हरिचंद ने, हरिचंद ने भरोनी चकर पानी है, बात पकड़ दे मोर ध्वज ने सुत की खत्म कहानी है, बात ही पे महाराणा प्रताप ने, बात ही पे महाराणा प्रताप ने छोड़ दे राजधानी है, बात ही पे महाराणा प्रताप ने छोड़ दई राजधानी है, बात पे कुर्बान है गई झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी है जी झांसी वाली रानी। जय हो। लास्ट बात और वर्तमान बात क्या बेटा रामवीर, लेट चेत रहे कछु लोग दुनिया में देखो, कछु लोग दुनिया में देखो पातर कोई खाई रहे, और कछु लोग का देखो हमो पातर कोई खाए रहे, लामनी हमको जीवन में ना आए भाई, लोग दुनिया में देखो बातन कोई खाई रहे, पैसा की बात ना आए, पैसा की बात ना आए पर पूरी बात बनाई रहे, तो पैसा की बात ना आए पर पूरी बात बनाई रहे, अपनी बात बना दे तू, अपनी बात बनाए देखूं
मेरी बात ठाड़ी है जाए गांव में आग लग जाए कोई बात ना, दो चार गुंडा ऐसे हरे गांव में मिलेंगे गांव की बात बिगाड़े बिगाड़े अपने चक्कर में। कछू लोग दुनिया में देखो पातन कोई काय रहे, अपनी बात बनावे को हर बात में टांग अड़ाए रहे। हरी कहे जे बे बाते बातन के पूठ बना